उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की प्रचंड बहुमत से भाजपाइयों में खास उत्सव है। बुधवार को पलिया तहसील में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजीव शुक्ला के साथ मौजूद दर्जनों कार्यकर्ताओं व पलिया बार एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मौजूद भाजपा नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराते हुए कार्यक्रम स्थल को मोदीमय कर दिया। भाजपा नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि अभी तक थानों व तहसील में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, अब वो भाजपा सरकार में नहीं चल सकेगा। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि वह अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर ले, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। पलिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्रकाश पाल ने भी अपने साथियों के साथ भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार की खुशी में एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। राजीव जी, आप पलिया शहर के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस समय भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। बीजेपी यूपी में इतना बेहतर प्रदर्शन करके प्रचंड बहुमत लाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नीरज जी, ये हम लोगों को पूरा विश्वास था कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए जो सपना देखा था, गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएँ लाए, उज्ज्वला योजना लाए, जनधन की योजना लाए और गरीब बिटिया, गरीब किसान सबके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लाए, इनका लाभ तो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के रूप में मिलना ही था। और मैं ये भी बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इन तहसीलों में, थानों में और ब्लॉक में ये जो भ्रष्टाचार और दलाली की परंपरा चल रही है, ये बहुत शीघ्र समाप्त होने वाली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई है, जिसके चलते भाजपा को इतनी बड़ी बहुमत प्राप्त हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मायावती जी की मानसिक स्थिति पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि शायद उनका जो राजनीतिक राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है उनकी पार्टी का, उसी के अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है और बहुत जल्द राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनने वाला है। ये जनता का बहुमत है, जनता की ईवीएम के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा जन समर्थन है जिसको हमेशा भारतीय इतिहास में याद रखा जाएगा। राम प्रकाश पाल जी, आप पलिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं क्षेत्र में। बीजेपी यूपी में इतना भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से आई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सर्वप्रथम कहना चाहूँगा, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से भारत में जो एक राष्ट्रवाद है उसको खड़ा किया है, जातिवाद समाप्त हुआ है और राष्ट्रवाद का हर जगह जय जयकार हो रही है, उसमें सारे जात विरादी के लोगों ने जो है एक मत के रूप में नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया है। और जो है उम्मीद है कि जो भी हमारे प्रदेश का नेतृत्व करेगा, बहुत ही अच्छा नेतृत्व होगा, वो नेतृत्व कल्याण सिंह जैसा नेतृत्व दिखेगा। हर जगह आपको ईमानदारी दिखेगी, चाहे थाना हो, तहसील हो, चाहे जहां पर भी हो, वहां पर आपको ईमानदारी दिखेगी और समय से कार्य होगा, कार्यबद्ध तरीके से, जिसमें सभी को, गरीब जनता को न्याय मिलेगा और हर व्यक्ति खुशहाल होगा, सबका साथ सबका भी विकास होगा।